better life. Hope you all are happy, healthy and enjoying life. तो आज की वीडियो है सुबह से रात तक मैं क्या खाती हूँ, एक आइडियल हेल्दी एंड टेस्टी डाइट प्लान एंड उसके रेसिपीज भी. तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग. और सुबह उठते ही मैं किचन पे जाती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए. केटल पे पानी गर्म हो गया है और मैं बना रही हूँ लेमन हनी वाटर. ज्यादातर दिन मैं यही पीती हूँ, यही मेरा सबसे फेवरेट है. कभी कभी चेंज भी कर लेती हूँ, कभी सिर्फ वार्म वाटर ही पीती हूँ या तो जीरा पानी, सौंफ का पानी, ऐसा ही कभी कभी करते हैं. तो मैंने यहाँ पे लेमन हनी और थोड़ा सा वार्म वाटर, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिला के एक वार्म सा ड्रिंक बना लिया है. वाटर लेके नहा धोके फ्रेश होके पूजा करके मैं छत पे आती हूँ योगा करने के लिए. और इस टाइम मैं बहुत सारा एनर्जी स्टोर कर लेती हूँ पूरी दिन की लड़ाई लड़ने के लिए. और यहाँ कुछ एलमंड्स एंड वॉलनट्स है जिसको मैंने रात को भिगो दिए थे. तो अभी ब्रेकफास्ट बनाते बनाते और बेटे को स्कूल के लिए रेडी करते करते मैं ये मंच करते रहूंगी. ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ग्रीन बेसन छीला. इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पालक है और कुछ चॉप किया हुआ कैप्सिकम और अभी दे रही हूँ थोड़ा सा बेसन. आप चाहो तो थोड़ा ऑनियंस भी ऐड कर सकते हो या तो ग्रीन चिलीज, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ. और फिर डाल देंगे 2 whole eggs और थोड़ा सा सॉल्ट. अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे. मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे सेसमी ऑयल, वर्जिन सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल. जब भी आप ऑयल खरीद रहे हो तो यह ध्यान रखो कि वर्जिन ऑयल या तो कच्ची घनी या तो फिल्टर्ड ऑयल ही आप खरीद रहे हो, क्योंकि मार्केट में जो रिफाइंड ऑयल मिलते हैं वो बहुत प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आता है, तो वो बहुत जल्दी खाने में एब्जॉर्ब हो जाते हैं अब जब उसे हीट करते हो. तो जो वर्जिन ऑयल है, फिल्टर्ड ऑयल है या कोई कच्ची घनी है, ये सब बिना प्रोसेस होके आते हैं. तो या तो वर्जिन तिल का तेल, या तो पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या तो नारियल का तेल, ये सब यूज करिए तो बेहतर है खाने के लिए और सेहत के लिए. अच्छे से कुक हो जाने के बाद हमें इसको निकाल लेना है. और इसके साथ मैं एक बनाना ले रही हूँ. एवरी मील में आपको कुछ ना कुछ अनकुक्ड फूड यूज करना चाहिए, या तो फ्रूट्स, या तो वेजिटेबल सलाद, या तो स्प्राउट्स और नट्स, कोई भी अनकुक्ड फूड आप ले सकते हैं एवरी मील में. इससे आपका वेट गेन भी नहीं होता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है. अब लंच में चावल चढ़ा दिए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ विटामिन सी से भरपूर 2 आंवला. ये चावल के साथ ही बॉईल हो जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है. कढ़ाई में लिया है थोड़ा सरसों का तेल और तेल गर्म होते ही मैंने डाल दिया है हरी मिर्च
और थोड़ा सा कलौंजी। कलौंजी और हरी मिर्च क्रैकल हो जाने के बाद डाल देंगे कटा हुआ बैंगन। नमक और हल्दी मिला के इसको थोड़ा फ्राई कर देंगे और कवर करके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और मैं बोलने ही भूल गए कि आज हम बना रहे हैं मेथी बैंगन। तो बैंगन हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ मेथी साग। बस ये ऑलमोस्ट डन है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत इजी है इसको बनाना एंड हेल्दी है और टेस्टी तो है ही। और अब बनाएंगे गोभी प्रॉन्स। तो इसके लिए प्रॉन्स को मैंने वॉश करके यहाँ पे सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर से थोड़ा मैरिनेट करके रख दिया था। और अब सरसों का तेल गर्म होने के बाद हम प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। नॉनवेज आइटम्स 2 to 3 डेज इन अ वीक। वीकेंड पे तो बनता ही है सैटरडे संडे को, और वीक के बीच में या तो वेडनेसडे या तो फ्राइडे कोई भी एक दिन बनता है। तो आज सैटरडे था इसलिए बन रहा है प्रॉन्स। गोभी को फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सॉल्ट और हल्दी मिला के, और इसको कवर करके हल्का हल्का कुक कर लें। जब तक ये कुक हो रहा है हम दाल बना लेते हैं। प्लेन मसूर की दाल बना रही हूँ। दाल को वॉश कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा कच्चा पपैया डाल रही हूँ और सॉल्ट और हल्दी दे के इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। गोभी प्रॉन्स के मसाला भी रेडी हो गया है। प्याज, अदरक, जीरा और टमाटर, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी से। अब चाहो तो ग्रीन चिली और रेड चिली भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया क्योंकि टोजो नहीं खाता है। और मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी में उबाल आने के बाद फ्राइड प्रॉन्स भी ऐड कर देंगे। गोभी प्रॉन्स भी रेडी है और अब लगाएंगे दाल का तड़का। यहाँ सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है तेज पत्ता और सूखी मिर्च और उसके बाद थोड़ा सा पांच फोरन। एक छोटा सा तड़का पैन है, बहुत यूजफुल है, और इस तड़का को मैंने दाल पर ऐड कर दिया है। तड़का ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे और बस सॉल्ट एडजस्ट करके दाल को ऑफ कर देंगे। और लास्ट में बना रही हूँ थोड़ा सा कर्ड राइस, जो कि कंपलसरी है हमारा लंच रूटीन में। या तो कर्ड राइस, या तो रायता, या तो घोल, कुछ भी फॉर्म में हम दही जरूर लेते हैं लंच टाइम पे। और ये मेरे घर के जमाई हुई दही है, देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है। दही, घी सब मैं घर पे ही बनाती हूँ। टेस्ट तो अच्छा आता ही है और एक सेटिस्फेक्शन भी आता है कि हाँ प्योर सा खा रहे हैं, अपनी फैमिली को अपने हाथों का बना हुआ खाना खिला रहे हैं। तो बस कर्ड राइस को थोड़ा स्मैश करके उसमें सॉल्ट और कर्ड को मिला दिया है और उसका तड़का दे रहे हैं अभी। थोड़ा सा सूखी मिर्च, सरसों, और अब डालेंगे उड़द की दाल। चना का दाल भी डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गया था। और फिर करी पत्ता, अदरक और लास्ट में थोड़ा सा घी। तो ये
ये सब चीज को एक साथ फ्राई करने के बाद हम डाल देंगे राइस के ऊपर। सबको अच्छे से मिलाकर हो गया हमारा कर्ड राइस रेडी। और ये बहुत टेस्टी बनता है, बिलीव मी, हमारा पूरा फैमिली का फेवरेट है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। साउथ इंडिया पे जब भी कोई डाइजेशन रिलेटेड इशू होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप 3 दिन तक सिर्फ कर्ड राइस ही खाओ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्दी भी है ये। और बस सलाद तो कंपलसरी है डाइट में। आज बना है क्यूकम्बर, मूली और टमाटो की सलाद, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता और लेमन ऐड करके। हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स लेते हैं, जैसे आज हम ले रहे हैं 2 कॉर्न्स। कॉर्न्स को हम बॉयल कर लेंगे, ये स्वीट वाला कॉर्न्स है, और उसके साथ थोड़ा सा कीवी। आप चाहो तो टी कॉफ़ी ले सकते हो, पर ये ध्यान में रखना है कि ये हैबिट ना बन जाए कि बिना चाय की नहीं चल रहा है दिन। और ये देखिए मेरा हेल्पर यहाँ पे आ गया है कॉर्न छीलने के लिए, इसको कॉर्न बहुत पसंद है, तो जब भी मैं कॉर्न बनाती हूँ ये ज़रूर आ जाता है मुझे हेल्प करने के लिए। और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। कॉर्न को होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक हिस्से के बाद सिम कर देना है, और सिम से 2 या 3 हिस्सल देना है, जैसे भी आपका कॉर्न हो उस हिसाब से। और आप कीवी को छील के उसको तुरंत पीसेस कर लेंगे। अच्छा, तो कीवी हम डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं, जो लोकली ग्रोन फ्रूट होता है वही आपके सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। तो उस दिन मार्केट पे देख कर तो जो बोला कि खाना है, तो इसलिए मैं ले आई। नहीं तो हम क्यूकम्बर या तो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, जो भी सीजन का वाइज फ्रूट्स आता है वही हम लेते हैं। और कॉर्न यहाँ पे बॉयल हो गया है एंड स्नैक्स इज रेडी टू गो। डिनर टाइम, द लास्ट मील ऑफ द डे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा खसखस और तिल आधा आधा करके हम पेस्ट बना लेंगे। अब भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सरसों के तेल में 5 फोड़न और 1 हरी मिर्च देकर भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे। भिंडी थोड़ा सा कुक हो जाने के बाद हमें वो पेस्ट ऐड कर देना है जो बनाया था खसखस और तिल मिलाकर। और खसखस को बंगाली में बोलते हैं पोस्तो, यानी कि पॉपी सीड। बनना है यहाँ पे मैं तैयार कर लेती हूँ सलाद। ग्रेटेड कैरेट के साथ थोड़ा स्प्राउटेड मूंग ऐड कर दिया है, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड लेमन ऐड कर देंगे। और बस ये मज़ेदार यम्मी सा सलाद बनके रेडी हो जाएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। हम हर मील में कोई ना कोई अनकुक्ड फूड जरूर लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि रात को भी हम चावल क्यों ले रहे हैं, रोटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ साउथ इंडिया में ड्राई वेदर है, तो यहाँ पे चावल का कोई भी प्रोडक्ट, या तो आप चावल खाओ या तो डोसा इडली ऐसा खाओ तो ही बेहतर है। यहाँ पर रोटी खाने से बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, आपको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम चावल ही खाते हैं। और चावल खाने में कोई बुराई नहीं है अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हो तो,
देखिए हमारा थाली में चावल जितना है उतना ही अमाउंट में सलाद और वेजिटेबल्स भी है, और दाल में हम थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रहे हैं। ये घी भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। तो बस चलिए डिनर करते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान पर रखिएगा कि सनसेट के बाद ही डिनर कर लेना चाहिए। तो अर्ली सनसेट के बाद तो हम डिनर नहीं कर सकते हर टाइम, पर कोशिश करें कि 7:30 या तो मैक्सिमम 8 o'clock के अंदर डिनर आपका हो जाना चाहिए। और डिनर के बाद हम थोड़ा वॉक पर निकलते हैं, एक्सरसाइज से एक्सरसाइज भी हो जाता है और थोड़ा गपशप भी। बस अब 9 और 9:30 के बीच में हम एक कप गरम दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद करते हैं किचन को बाय बाय। होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे कि हेल्दी खाना भी टेस्टी कैसे बन सकता है। तो चलिए मेरी इस पेंटिंग की गणेश जी की तरफ से आपको करते हैं गुड नाइट। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर प्रेस करिए, जिससे कि आपको और नए नए वीडियोस देखने को मिल जाए।